औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हालिया बारिशों की और फ्लड की सूरत हाल जो है वो तो मैंने आप सब लोगों को उससे बखूबी अपडेट किया था। तकरीबन 1 वीक हो चुका है और बारिशें वगैरह सखर के अंदर इतनी हो रही हैं, जगह जगह पानी मौजूद है। तो आज बिल्कुल ही एग्जॉस्ट होके और बहुत मुश्किल से हम लोग निकल के सखर में मौजूद KFC पे आए। उसकी वजह ये थी, एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चेंज चाह रहे थे हम लोग अपने माइंड सेट के साथ, क्योंकि हम लोग घरों में मैसूर होकर रहे थे और हमारी कोशिश ये थी कि हम थोड़ा सा कुछ बाहर चले जाएं, आउटिंग कर लें। तो इस वक्त शहर जो है वो तकरीबन बंद है। ये थोड़ा सा KFC सखर जो है कुछ हाइट वाली जगह पे मौजूद है और सखर के फेमस रोड पे मौजूद है, तो यहाँ पे से तकरीबन पानी जो है काफ़ी हद तक निकाल लिया गया है। तो इसलिए ये जगह अभी इस वक्त ओपन है। तो इसी जगह का इंतखाब जो है हमने लाजमन इसी वजह से किया, ताकि यहाँ पे जो है इजीली हम लोग सिटिंग करके थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश कर सकें, और ये है कि यहाँ पे मौजूद रह के हम लोग थोड़ा सा अपना माइंड जो है वो फ्रेश कर सकें, और इसी के साथ साथ थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है सखर में बारिशें जो हो रही हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, मकानात तबाह हो चुके हैं, कारोबार बिज़नेस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे लोगों का आ चुका है, बिल्कुल कारोबार बंद है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, सखर के अंदर रेन एमरजेंसी सर्विस जो है वो स्टार्ट कर दी गई है, जगह जगह कैंप्स लगा दिए गए हैं, डॉक्टर्स और मेडिसिन जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, और जितना हो सकता है गवर्नमेंट भी अपने बिहाफ पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इस तकलीफ दे अमल में उनका साथ देने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ इस वक्त अभी मैं KFC पर मौजूद हूँ, ये दोस्त भी हमारे मौजूद हैं, आए हैं, ये जुनेद साहब आए हुए हैं, ये खुबैब साहब आए हुए हैं हमारे साथ सखर KFC में, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। और अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे अच्छा और सोफिस्टिकेटेड मेन्यू जो है। वैसे KFC की तो सारी चीज़ें, मतलब डील्स जो है तकरीबन सभी लोगों को मालूम होती हैं। यहाँ पे दोस्तों की फरमाइश ये थी कि इस मौसम में आइसक्रीम खरीदें, तो इनको यहाँ पे आइसक्रीम जो है उससे नोश फरमाते हैं हम, और चलते हैं आइसक्रीम लेने के लिए। आइसक्रीम में अभी इस वक्त इनकी देर है, क्योंकि इनकी मशीन जो है वो सही से रनिंग नहीं कर रही है, तो लिहाजा मुझे जो खाना था वो तो मैं ले चुका हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों के लिए अभी हमें 10 मिनट मज़ीद यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। टेम्परेचर मेंटेन